सो वेलकम बैक टू वॉशिंग प्लेस स्कूल कुसुम बिहार। सो लास्ट क्लास में हमने हिंदी की जो स्वर वर्ण के फर्स्ट दो अक्षर हैं उसके बारे में जाना था, यानी कि अ एंड आ के बारे में। तो यहाँ पे मुझे लगा था कि कुछ मैं डिटेल में आपसे शेयर कर दूँ ताकि आप अ एंड आ को कम्प्लीटली लिखना सीख। दो कॉपी है, एक ये और एक ये। तो ये जो है वो नॉर्मल कॉपी होती है हिंदी की, आप सबको पता है, और ये कॉपी है ये होती है हम लाइन में लिखना कैसे सीखते हैं, यानी कि स्ट्रेट वे में कैसे हम अ एंड आ को लिखना सीखते हैं। तो आप ये देखिए कन्फ्यूज ना होइए कि ये इंग्लिश की कॉपी है। जी हाँ, ये इंग्लिश की कॉपी नहीं है, ये हिंदी कॉपी है। डिफरेंस ये है कि इंग्लिश कॉपी में हमारा यहाँ पे फोर लाइन होता है एंड यहाँ पे फाइव लाइन होते हैं। मैं काउंट आपको दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 के पेज पे हम बाद में लिखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले कॉपी से लिखना कि किस टाइप से हम ओ एन आ को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख के बताया था, आई थिंक आपने पैटर्न जान लिया होगा ओ एन आ का, लेकिन एल्स आई एम सेइंग यू वंस अगेन कि आप ओ एन आ को कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा ओ बनाएंगे। बड़ा सा बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, हम बनाएंगे एक कॉब, या आप बना सकते हो या फिर आपके पेरेंट्स बना के आपको दे सकते हैं। तो एक हमने कॉब बनाया, इस कॉब से जो कनेक्ट करते हुए हम बनाएंगे एक और कॉब, ठीक है। और जहां पे हमने दोनों कॉब को कनेक्ट किया था वहां से हम बनाएंगे एक स्लिपिंग लाइन कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद में हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन जो कि इस स्लिपिंग लाइन से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। ऊपर से हम इस स्टैंडिंग लाइन को एंड इस को ज्वाइन करते हुए एक बना देंगे स्लिपिंग लाइन, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या बन गया, ओ बन गया, जैसा कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया था। अब इसको आपको मेनी ऑफ टाइम ओवरराइट करना है एंड देखना है कि ओ का पैटर्न होता कैसा है। तो जिस टाइप से आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके टीचर ने बना के आपको ओ दिया है, आप उसके ऊपर मेनी टाइम्स ओवरराइट करेंगे एंड देखेंगे कि ओ का पैटर्न बेसिकली होता कैसा है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, ये हो गया हमारा पहला कर्व लाइन, उसके बाद एक और कर्व लाइन, फिर जहां पे दोनों कर्व लाइंस जॉइंट हुए हैं वहां से एक स्लिपिंग लाइन एंड उसके बाद में इस स्लिपिंग लाइन से जॉइंट करते हुए एक स्टैंडिंग लाइन, ओके। एंड आफ्टर दैट टू जॉइंटिंग बोथ दिस विल मेक वन मोर स्लिपिंग लाइन। तो इस तरीके से हमारा अ बन गया। एक बार फिर से हम इसको ओवरराइड कर लेंगे, इसको हम बार बार ओवरराइड करेंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें इसका जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली मालूम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने सीख लिया ओ का पैटर्न कैसा होता है। अब आप पूछेंगे कि ये जो कॉपी है ये मैं किस लिए यूज कर रही हूँ। तो ये यूज करने का मेरा मोटिव ये है कि यहाँ पे आप कम्प्लीटली लिखना जान सके कि स्ट्रेट लाइन में, यानी कि जब आपको इस टाइप की कॉपी मिले तो आप स्ट्रेटली कैसे लिखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि और यहाँ पे लिख दिए तो आ यहाँ पे लिख दिए, उनको लाइन की कम्प्लीटली समझ नहीं होती है। तो इसलिए अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास में अवेलेबल है या फिर शॉप में अगर अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप इस टाइप की नोटबुक स्टार्टिंग में अपने बच्चे के लिए ले सकते हो, इफ एनी पेरेंट्स इज वॉचिंग दिस वीडियो देन, ओके। सो यहाँ पे रूल ये होता है कि यहाँ टोटल लाइन है 5, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना है ओनली बिटवीन 3 लाइन्स। सर, कॉपी में लिखने के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आपका कंफ्यूजन कि हमें ये ऊपर के 2 लाइन्स यानी कि ये फर्स्ट वाला पिंक लाइन एंड लास्ट वाला पिंक लाइन को हमें छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है, टच नहीं करना है। एंड बीच के जो 3 लाइन्स बचे हुए हैं 1 2 3 ब्लैक वाला लाइन्स, इसके बीच में हमें ओ एन आ को लिखना है। सो लेट्स सी हाउ कैन वी राइट। सो फर्स्ट विल गिव 2 डॉट्स ताकि आप क्लियरली जान सको कि हमें इन दोनों डॉट्स के बीच में ही ओ को लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम बनाते हैं इस वाले सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन से एक कर्व, ओके। आफ्टर दैट विल मेक वन मोर कर्व, उसके बाद हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन एंड उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हम बनाएंगे पहले एक कर्व लाइन, फिर उससे ज्वाइन करते हुए एक और कर्व लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन एंड फिर वन मोर स्लीपिंग लाइन। इस टाइप से हम इस पेज में 3 टाइम, यानी कि फर्स्ट लाइन में हम 3 टाइम ओ को लिखेंगे ऐसे एग्जैक्टली। पहले हम 2 कॉप्स बनाएंगे, दोनों कॉप्स को ज्वाइन करेंगे बीच में एंड जहां पे ज्वाइंटेड है वहां से एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे एंड स्लीपिंग लाइन से ज्वाइन करते हुए एक बना देंगे स्टैंडिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन बनाने के बाद में ऊपर हम बना देंगे एक और स्लिपिंग लाइन। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ओ बन गया। एक बार फिर से देख लें, हम बनाएंगे पहले एक कर्व,
ऐसा, फिर इससे ज्वाइन करते हुए एक और कर्व ऐसा, एंड अगेन विल मेक अ स्लिपिंग लाइन, सॉरी फर्स्ट टाइम विल मेक अ स्लिपिंग लाइन, एंड उसके बाद हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, एंड उसके बाद हम बनाएंगे एक और स्लिपिंग लाइन, ठीक है। तो ऐसे जब आप बनाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, और बहुत ही सही से बन जाएगा, स्मूथली बन जाएगा, बिना किसी गड़बड़ के। तो आप ट्राई करिए कि इस टाइप की कॉपी में आप ओ को लिखना सीखें। सो इसके लिए टू प्रोसेस होंगे। फर्स्ट होगा कि हमें ओ के पैटर्न को सीखना है कि ओ का पैटर्न बेसिकली होता कैसा है। जब हम ओ का पैटर्न जान जाएंगे तो हम सेल्फ राइटिंग करेंगे, या फिर यू आर अनेबल टू राइट बाय योर सेल्फ, देन पेरेंट्स का काम ये रहेगा कि वो पहले एक ब्लड में ओ लिख के दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंड यू कैन टेल टू योर किड्स टू ओवरराइट इट जस्ट लाइक दैट। ओके, ऐसे जब आप करेंगे तो उनको मालूम हो जाएगा कि ओ एंड आ को कैसे लिखना है बिना किसी हेल्प के। ओके, सो इस तरीके से जब भी आप ओ की लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास में कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड आपको कंप्लीट स्ट्रेट लाइन में जब इस टाइप की कॉपी दी जाएगी तो आप उस टाइम में कंप्लीटली ओ को लिख सकते हो। सो इसके बाद में हमने एक और अक्षर को लास्ट क्लास में पढ़ा था जो कि आता है ओ के जस्ट बाद में। ओ होता है सिमिलर टू ओ, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि ओ में एक स्टैंडिंग लाइन होता है एंड आ में टू स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले एक कर्व बनाया, उस कर्व से ज्वाइन करते हुए एक और कर्व बनाया, जहां भी दोनों कर्व ज्वाइंट्स हैं वहां से बनाया एक स्लिपिंग लाइन, एंड उसके बाद में बनाया एक स्टैंडिंग लाइन, एंड आफ्टर दैट विल मेक वन मोर स्लिपिंग लाइन। अब क्योंकि ये भी ओ ऐसा दिख रहा है, आपको मैं दिखाती हूं दोनों ही, ये भी ओ है और ये भी ओ है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बनाना है, आ बनाना है। तो आ बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि इसमें हमें एक स्टैंडिंग लाइन की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, इसमें एक स्टैंडिंग लाइन रहेगा एंड आ में टू स्टैंडिंग लाइन। ओ को हम बोलते हैं ओ, आ को बोलते हैं आ, ओ आ, ओ आ, ठीक है। सो अगेन एक बार देख लीजिए, ओ में जो है टू कर्व लाइन रहेगा, आ में भी टू कर्व लाइन रहेगा, ओ में एक स्लिपिंग लाइन, यहां पे भी एक स्लिपिंग लाइन, लेकिन ओ में स्टैंडिंग लाइन वन रहेगा एंड आ में रहेगा टू। तो जैसा हमने ओ को ओवरराइड किया था वैसे ही हम इसको भी बार बार मेनी टाइम्स ओवरराइड करते जाएंगे ताकि हम आ के पैटर्न को कंप्लीटली जान सके। ओके, सो लाइक दैट यू हैव टू राइट, यू कैन ओवरराइड इट मेनी टाइम्स, देन यू विल बी एबल टू नो कि आ का पैटर्न होता कैसा है। सो आप इसको रफली जैसा भी चाहो वैसा इसको ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, आ बन गया। आ को बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा टू कर्व लाइन, फिर वन स्लिपिंग लाइन, एंड उसके बाद टू स्टैंडिंग लाइन, एंड ऊपर से एक स्लिपिंग लाइन, एंड हम इसको जो हमारे पेरेंट्स ने लिख के दिया है आ, उसको हम मेनी टाइम्स क्या करेंगे, ओवरराइट करेंगे, क्या करेंगे, ओवरराइट, ठीक है। तो जब आप ओवरराइट करेंगे तो जैसे आपने ओ का पैटर्न जाना है वैसे ही आप आ का भी पैटर्न जान लेंगे। इस वाले इस टाइप की कॉपी में बड़ा सा आ लिखना सीख लिया, यानी कि हमने इसको ओवरराइट करके जान लिया है कि आ का पैटर्न होता कैसा है। अब हम चलते हैं इस टाइप की कॉपी में और यहाँ पे देखते हैं कि इस गिवन लाइन में हम आ को कैसे लिखेंगे। सो आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा इसके नीचे से हम क्या लिखते हैं, आ लिखते हैं। तो जिस टाइप से हमने ऑ लिखा था बीच के थ्री लाइन्स में, सिमिलरली हम आ को भी लिखेंगे बीच के थ्री लाइन्स में। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, एक कर्व, अगेन वन मोर कर्व, आफ्टर दैट वन स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लिपिंग लाइन, ठीक है। ये हमारा क्या बना, आ बना, क्या बना, आ। जब आप ओ लिखना सीख जाएंगे तो आप आ को इजीली बना सकते हैं क्योंकि दोनों एकदम एक जैसा है, डिफरेंस है सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम बार बार आ को बनाते जाएंगे, या फिर अगर हमारे पेरेंट्स बार बार इस आ को लिख के हमें दे रहे हैं तो हम पहले उसके ऊपर ओवरराइट करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि हम आ को सेल्फ कैसे लिख सकते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपने ओ एंड आ को लिखना कम्प्लीटली सीख लिया होगा।
चाहे तो आप इस टाइप की कॉपी में बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर ऐसी वाली कॉपी में जो भी आपके पास में अवेलेबल हो आप उस टाइप की कॉपी में बार बार ओ एन आर को लिखना सीख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपके ओ एन आर की कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दो अक्षर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।